वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ इंट्रोडक्शन टू एम्बेडेड सिस्टम। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एम्बेडेड सिस्टम का डिटेल स्टडी किया था, ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एप्लीकेशन एंड पर्पस ऑफ एम्बेडेड सिस्टम इसका डिटेल स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सिलेबस इज द एप्लीकेशन एंड पर्पस ऑफ एम्बेडेड सिस्टम, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम एप्लीकेशन ऑफ एम्बेडेड सिस्टम का स्टडी करेंगे, देन आफ्टर दैट वी स्टडी द पर्पस ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। सो एम्बेडेड सिस्टम फाइंड द न्यूमरस एप्लीकेशन इन वेरियस फील्ड सच एज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, टेली कम्युनिकेशन, कंप्यूटिंग नेटवर्क और द स्मार्ट कार्ड, सैटेलाइट सिस्टम, मिलिट्री डिफेंस सिस्टम इक्विपमेंट, रिसर्च सिस्टम इक्विपमेंट एंड सो ऑन, ठीक है। तो कंप्यूटर सिस्टम में या कंप्यूटर नेटवर्किंग में या टेली कम्युनिकेशन या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। तो एम्बेडेड सिस्टम का अलग अलग एप्लीकेशंस को यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट है हम लेंगे एप्लीकेशन ऑफ एम्बेडेड सिस्टम, ठीक है। तो उसमें भी हम जो अलग अलग कैटेगरीज है एप्लीकेशन एरियाज की, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग हम उसके एप्लीकेशन यहाँ पे नोट करेंगे। तो द एप्लीकेशन एरियाज एंड द प्रोडक्ट्स इन एम्बेडेड डोमेन आर काउंटलेस, ठीक है। फर्स्ट इज एम्बेडेड सिस्टम इन ऑटोमोबाइल एंड टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, ठीक है। तो जो भी एम्बेडेड सिस्टम ऑटोमोबाइल एंड टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में यूज़ होंगे, ठीक है, तो उसका यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है, ठीक है। मोटर एंड क्रूज कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। तो क्रूज कंट्रोल सिस्टम कार में एक सिस्टम आता है, ठीक है, दैट कैन बी अ बेस ऑन दिस एम्बेडेड सिस्टम और इट इज जस्ट द एम्बेडेड सिस्टम। सेकंड, बॉडी और इंजन सेफ्टी, देन एंटरटेनमेंट एंड मल्टीमीडिया इन कार। तो कार में जो मल्टीमीडिया एंड एंटरटेनमेंट सिस्टम या म्यूजिक सिस्टम यूज होता है दैट यूजेस द एम्बेडेड सिस्टम, ओके। ई कॉम एंड मोबाइल एक्सेस, रोबोटिक्स इन असेंबली लाइन, ठीक है। तो जो रोबोटिक्स यूज होता है ऑटोमेशन में कंपनीज में, ठीक है, तो वहाँ पे भी एम्बेडेड सिस्टम का यूज़ होता है। वायरलेस कम्युनिकेशन में एम्बेडेड सिस्टम का मेन पार्ट है। मोबाइल कंप्यूटिंग एंड नेटवर्किंग, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम ABS, जो कि कार में और बाइक्स में प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। इंजन कंट्रोल, ठीक है, कार एंड बाइक्स का इंजन कंट्रोलिंग पर्पस के लिए एम्बेडेड सिस्टम का यूज़ किया जाता है। टेलीफोन में भी एम्बेडेड सिस्टम यूज़ होता है, सेल फोन, स्मार्टफोन्स, ठीक है। तो ये सारे एप्लीकेशन है एम्बेडेड सिस्टम के इन ऑटोमोबाइल एंड टेली कम्युनिकेशन सेक्टर। नेक्स्ट एप्लीकेशन एरिया विल बी द एम्बेडेड सिस्टम इन स्मार्ट कार्ड्स, मिसाइल्स एंड सैटेलाइट्स, ओके। तो एम्बेडेड सिस्टम का यूज़ जो है वो सिक्योरिटी सिस्टम में भी होता है, ठीक है। देन टेलीफोन एंड बैंकिंग सिस्टम में एम्बेडेड सिस्टम का यूज़ होता है। डिफेंस एंड एरोस्पेस, ठीक है, मिसाइल गाइडेंस सिस्टम जो हमने फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी स्टडी किया था, ठीक है, तो उसमें भी एम्बेडेड सिस्टम का यूज़ होता है। कम्युनिकेशन पर्पस में भी या कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स में भी यहाँ पे एम्बेडेड सिस्टम का यूज़ होता है, ओके। सो दीज आर द डिफरेंट एप्लीकेशंस फॉर एम्बेडेड सिस्टम। सो हियर वन फिगर इज गिवन इन दैट ऑल द एप्लीकेशंस इन विच एम्बेडेड सिस्टम आर यूज इज गिवन हियर, सच लाइक कैमराज, गेम मशीन, इलेक्ट्रॉनिक बुक और टैबलेट, टेलीविजन, एयरलाइंस, ब्रॉडकास्टिंग और मेडिकल इक्विपमेंट, डिजिटल सिग्नल्स, ओके, देन कैलकुलेटर, प्रिंटर, कार, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, ठीक है। तो ये सारे सिस्टम में एम्बेडेड सिस्टम का यूज़ किया जाता है, दैट इज़ माइक्रोकंट्रोलर बेस्ड सिस्टम। नेक्स्ट एप्लीकेशन एरिया है एम्बेडेड सिस्टम इन पीरेपीएल्स एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग, ओके। सो इन दैट फर्स्ट वन इट इज़ यूज इन डिस्प्ले एंड मॉनिटर्स, ठीक है। तो जो कंप्यूटर के मॉनिटर्स है या जो भी डिस्प्ले बोर्ड्स है, ठीक है, तो उसमें एम्बेडेड सिस्टम का यूज़ किया जाता है। नेटवर्किंग सिस्टम में एम्बेडेड सिस्टम यूज़ होता है। इमेज प्रोसेसिंग में भी एम्बेडेड सिस्टम का यूज़ होता है। नेटवर्क कार्ड्स एंड प्रिंटर्स, ठीक है, तो जैसे कंप्यूटर में जो प्रिंटर कनेक्ट करते हैं हम, दे आर एम्बेडेड बेस, ओके। स्कैनर, स्कैनिंग पर्पज़ के लिए डॉक्यूमेंट्स के हम स्कैनर यूज़ करते हैं, उसमें भी एम्बेडेड सिस्टम यूज़ किया गया है। गेमिंग कंसोल में भी एम्बेडेड सिस्टम यूज़ होता है। राउटर एंड स्विचेस जो कि पार्ट है नेटवर्किंग के या नेटवर्किंग के डिवाइसेस है, ओके, तो उसमें भी एम्बेडेड सिस्टम का यूज़ किया जाता है। फोर्थ एप्लीकेशन एरिया है एम्बेडेड सिस्टम इन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में वास्ट यूज़ है
एम्बेड सिस्टम का, जिसमें डिजिटल कैमरास में भी एम्बेड सिस्टम यूज़ होता है, सेट टॉप बॉक्स फॉर द टीवी, ठीक है, तो उसमें भी एम्बेड सिस्टम यूज़ होता है, हाई डेफिनेशन टीवी दैट इज़ एचडी टीवीज में भी यूज़ होता है एम्बेड सिस्टम का, डीवीडी प्लेयर्स, कैमरा, कैमकॉर्डर्स, ओके, तो इस सब में एम्बेड सिस्टम का यूज़ होता है, ठीक है, वॉशिंग मशीन है, एसी है, माइक्रोवेवन है, ठीक है, तो इन सब में जो भी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है, तो इनमें एम्बेड सिस्टम का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन एरिया ऑफ एम्बेड सिस्टम इज़ एम्बेड सिस्टम इन हेल्थ केयर, ठीक है, तो मेडिकल फील्ड में भी एम्बेड सिस्टम का वास्ट यूज़ है, जिसमें ईईजी दैट इज़ इलेक्ट्रो एनर्फेल ग्राम, ठीक है, तो ईईजी में भी एम्बेड सिस्टम का यूज़ होता है, ईएमजी इलेक्ट्रो मायोग्राफ, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है, तो इन सब इक्विपमेंट में एम्बेड सिस्टम का यूज़ होता है। देन सीटी स्कैन मशीन में भी एम्बेड सिस्टम का यूज़ होता है, एमआरआई मशीन में भी यूज़ होता है, एंड देन एक्सरे मशीन, तो मेडिकल फील्ड में भी एम्बेड सिस्टम के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्राइटेरिया फॉर द और द एप्लीकेशन एरिया फॉर द एम्बेड सिस्टम इज एम्बेड सिस्टम इन बैंकिंग एंड रिटेल सेक्टर, ओके, एटीएम मशीन में भी एम्बेड सिस्टम का यूज़ होता है, चेक कलेक्शन मशीन उसमें भी एम्बेड सिस्टम का यूज़ होता है, ठीक है, जैसे बैंक में हम चेक पुटअप करते हैं तो चेक कलेक्शन के लिए एक ऑटोमेटिक मशीन है, ठीक है, तो उसमें भी एम्बेड सिस्टम का यूज़ किया जाता है, ठीक है, तो इस तरह से बैंकिंग एंड रिटेल सेक्टर में एम्बेड सिस्टम का वास्ट यूज़ है। एंड नेक्स्ट वन एरिया विल बी द एम्बेड सिस्टम इन कार्ड रीडर, ठीक है, जैसे बार कोड स्कैनर, ठीक है, तो बार कोड स्कैनर में भी एम्बेड सिस्टम का यूज़ किया जाता है, स्मार्ट कार्ड रीडर, ठीक है, जैसे अटेंडेंस के लिए स्मार्ट कार्ड का यूज़ होता है, तो उसमें भी एम्बेड सिस्टम का यूज़ होता है। देन आरएफआईडी रीडर दैट इज़ रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइसेस, उसमें भी एम्बेड सिस्टम का यूज़ होता है, ठीक है, तो इस तरह से देर आर डिफरेंट एरियाज इन विच एम्बेड सिस्टम आर मोस्टली यूज। देन वी सी द नेक्स्ट पार्ट दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ एम्बेड सिस्टम। द फर्स्ट रीज़न Why we need the embedded system is because the general purpose computer like PCs will be far too costly for the majority of products and incorporate the some form of embedded system technology. So another reason why we need the embedded system is because general purpose solution might also fail to meet the number of functional and performance requirements such as constraint in power consumption, size limitation, reliability or real time परफॉर्मेंस, ठीक है, तो यहाँ पे दो रीजंस है एम्बेड सिस्टम यूज़ करने का। फर्स्ट वन जो जनरल पर्पस कंप्यूटर सिस्टम है लाइक पीसी पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है, तो उनका कॉस्ट ज़्यादा है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द एम्बेड सिस्टम, सो दैट्स वाई दे आर मोस्ट कॉस्टली एज कम्पेयर टू दिस एम्बेड सिस्टम, सो दैट इज़ द फर्स्ट रीज़न फॉर द यूज़ ऑफ एम्बेड सिस्टम। सेकेंड वन विल बी द बिकॉज जनरल पर्पस सोल्यूशन फेल टू मीट द नंबर ऑफ फंक्शनल एंड परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट, तो परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट जो है डैट इज़ पावर कंजम्पशन, वो जनरल पर्पस कंप्यूटर सिस्टम का या कंप्यूटर सिस्टम का वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द एम्बेड सिस्टम, ठीक है, ऑल्सो साइज, ठीक है, साइज ऑफ दिस जनरल पर्पस कंप्यूटर सिस्टम इज़ मोर दैन एम्बेड सिस्टम। रिलायबिलिटी बिकॉज एम्बेड सिस्टम में हमें पता है कि रियल टाइम आउटपुट जनरेट होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू जनरल पर्पज़ कंप्यूटर सिस्टम इट टेक्स सम टाइम, एंड परफॉर्मेंस, ओके, सो परफॉर्मेंस इज ऑल्सो अ मेन क्राइटेरिया, सो दैट्स वाई दीज आर द टू रीजन्स दैट्स वाई वी यूज द एम्बेड सिस्टम इन मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन एरियाज। सो द डिजिटल रिवोल्यूशन स्टार्टेड डिकेड एगो हैज़ रीच अ स्टेज दैट वी कैन नॉट कंडक्ट और नॉर्मल मॉडर्न डेली लाइफ विदाउट दिस टेक्नोलॉजी, ओके, सो दीज आर द रीजन्स फॉर विच एम्बेड सिस्टम इज मोस्ट पॉपुलर। एंड नेक्स्ट वन विल बी द डेटा कलेक्शन स्टोरेज एंड रिप्रेजेंटेशन। सो एम्बेड सिस्टम इज डिज़ाइन फॉर द पर्पज ऑफ डेटा कलेक्शन दैट परफॉर्म्स द एक्विजिशन ऑफ डेटा फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड, ओके, तो डेटा कलेक्ट करने के लिए भी एम्बेड सिस्टम का हम यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग पार्ट से हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं सेंट्रल एरिया में, ठीक है, सो जनरली एम्बेड सिस्टम्स आर डिज़ाइन
फॉर द पर्पज ऑफ डेटा कलेक्शन. डेटा कलेक्शन इज यूजली डन फॉर स्टोरेज, एनालिसिस, मैनिपुलेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ डेटा. तो डेटा कलेक्शन जनरली जो होता है वो स्टोर करने के लिए डेटा, डेटा को एनालाइज करने के लिए. अगर हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा है, ठीक है, तो वी कैन एनालाइज दैट डेटा एंड टेक द डिसीजंस अकॉर्डिंगली इन द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, डेटा को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं. ठीक है, डेटा को हम ट्रांसमिट कर सकते हैं. ठीक है, वेन एवर इट इज़ रिक्वायर्ड. सो फॉर दैट पर्पज डेटा कलेक्शन विल बी डन. सो दैट डेटा कैन बी एनालॉग और डिजिटल. ठीक है, तो जैसे सिग्नल के दो टाइप्स है, एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल. लाइक दैट देर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा, एनालॉग डेटा एंड डिजिटल डेटा. सो डिजिटल डेटा इज इन द फॉर्म ऑफ वंस एंड जीरो, दैट इज इन बाइनरी. ओके, सेकेंड पर्पज है एम्बेडेड सिस्टम का डेटा कम्युनिकेशन. सो एम्बेडेड डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम इज डेवलप इन द एप्लीकेशन फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स सैटेलाइट कम्युनिकेशन टू सिंपल होम नेटवर्किंग सिस्टम. ठीक है, तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में भी एम्बेडेड सिस्टम का यूज़ होता है, जो कि एक कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम है. ठीक है, और होम नेटवर्किंग सिस्टम में भी एम्बेडेड सिस्टम का यूज़ होता है. ठीक है, जस्ट लाइक सेट ऑफ बॉक्स में भी एम्बेडेड सिस्टम यूज़ होता है. सो डेटा कम्युनिकेशन एक मेन फील्ड है या पर्पज़ है जिसमें एम्बेडेड सिस्टम का यूज़ होता है. ठीक है, वायरलेस मॉड्यूल लाइक ब्लूटूथ एंड वाईफाई में भी एम्बेडेड सिस्टम का यूज़ होता है. वायरलेस वायरलाइन मॉड्यूल जैसे USB, TCP/IP प्रोटोकॉल, हब, राउटर, स्विचेस, जो कि नेटवर्क डिवाइसेस है, इनमें भी डेटा ट्रांसमिशन पर्पस के लिए एम्बेडेड सिस्टम का यूज़ किया जाता है. थर्ड जो पर्पस है वो डेटा सिग्नल प्रोसेसिंग में यूज़ होता है. सो एम्बेडेड सिस्टम विद द सिग्नल प्रोसेसिंग फंक्शनैलिटीज आर एम्प्लॉयड इन द एप्लीकेशन डिमांडिंग द सिग्नल प्रोसेसिंग लाइक स्पीच कोडिंग, ऑडियो वीडियो कोडिंग, ट्रांसमिशन एप्लीकेशन. ठीक है, तो एम्बेड सिस्टम का सिग्नल प्रोसेसिंग में भी यूज़ किया जाता है. ठीक है, तो उसमें हम स्पीच को कोड कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं. ठीक है, ट्रांसमिशन एप्लीकेशन में भी एम्बेड सिस्टम का यूज़ होता है. सो दीज आर द डिफरेंट पर्पजेस फॉर द डेटा सिग्नल प्रोसेसिंग. नेक्स्ट पर्पज ऑफ एम्बेड सिस्टम इज द मॉनिटरिंग. All the embedded products coming under the medical domain that are monitor or monitoring function. ठीक है, तो जो भी health equipments है, ठीक है, तो या health related products है जिसमें embedded system का use होता है, so they are unable with the monitoring function. Okay, like digital CRO, ठीक है, digital multimeters and logic analyzers are other monitoring functioning devices that uses the embedded system. Next purpose is the control. A system with control functionality contains the sensors and actuator. ठीक है, तो controlling purpose के लिए embedded system में sensors and actuator का use किया जाता है. ठीक है, sensors are connected at the input port of capturing the changes in the environmental variable. तो sensor जो भी environmental data है, ठीक है, environmental चेंजेस है उसको वो क्या करेगा, कैप्चर करेगा सेंसर. ठीक है, एंड उसे एक सुटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके एम्बेड सिस्टम को प्रोवाइड करेगा. ठीक है, एंड एक्चुएटर इज कनेक्टेड एट द आउटपुट पोर्ट. ठीक है, तो एक्चुएटर जो आउटपुट पोर्ट में कनेक्ट होगा एम्बेड सिस्टम के, एंड दैट आर कंट्रोल अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन द इनपुट वेरिएबल. ठीक है, तो एक्चुएटर जो आउटपुट को परफॉर्म करेगा. ठीक है, जैसे ही इनपुट से मींस सेंसर से जो भी इनपुट्स मिलेंगे अकॉर्डिंग टू दैट द एक्चुएटर विल चेक और टेक द डिसीजन एट द आउटपुट. ओके, जस्ट लाइक इन एयर कंडीशनर सिस्टम यूज द कंट्रोल टू रूम द टू कंट्रोल द रूम टेम्परेचर. सो टू अ स्पेसिफाइड लिमिट इट इज़ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ कंट्रोलिंग पर्पज. ठीक है, तो जिस तरह से एयर कंडीशनर का जो वर्क है वो रूम टेम्परेचर को मेंटेन रखना है या कंट्रोल रखना है. ठीक है, तो उसमें भी एम्बेडेड सिस्टम का यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट वन पर्पज इज़ द एप्लीकेशन स्पेसिफिक यूज़र इंटरफेस. ठीक है, तो जिसमें बटन, स्विचेस, कीपैड, लाइट्स, ठीक है, डिस्प्ले यूनिट्स. ओके, तो इन सब इंटरफेसेस में एम्बेडेड सिस्टम का मोस्टली यूज़ किया जाता है. ऑल्सो इन केस ऑफ मोबाइल फोन ऑल्सो यूजेज द एम्बेडेड सिस्टम. ठीक है, सो इन मोबाइल फोन ऑल्सो द कीपैड
एंड स्पीकर एंड वाइब्रेशन अलर्ट. ओके, सो दीज इंटरफेस आर कनेक्टेड बाय यूजिंग एम्बेड सिस्टम. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन एंड पर्पज़ ऑफ एम्बेडेड सिस्टम ये टॉपिक एंड होता है. ठीक है, जिसमें हमने अलग अलग एप्लीकेशन देखे एम्बेड सिस्टम के अलग अलग सेक्टर में. ठीक है, देन पर्पज़ देखे वाई वी नीड द एम्बेड सिस्टम एज कम्पेयर टू जनरल पर्पज़ कंप्यूटर सिस्टम. ठीक है, तो उसके अलग अलग जो पर्पज़ है अलग अलग रीजन्स में. ठीक है, तो वो हमने स्टडी किए. नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सिलेबस इज द कोर ऑफ एम्बेडेड सिस्टम. सो एम्बेडेड सिस्टम आर डोमेन एंड एप्लीकेशन स्पेसिफिक. ठीक है, तो एप्लीकेशन का हमने ऑलरेडी स्टडी किया है एंड आर बिल्ड अराउंड द सेंट्रल कोर. सो द कोर ऑफ एम्बेडेड सिस्टम फॉल्स इनटू एनी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज. ठीक है, तो एम्बेडेड सिस्टम के जो कोर है, ठीक है, तो उनको अलग अलग कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइड किया है. ठीक है, सो फर्स्ट वन इज़ द जनरल पर्पज एंड डोमेन स्पेसिफिक प्रोसेसर. ठीक है, तो फर्स्ट जो क्राइटेरिया रहेगा या कैटेगरी रहेगा, सो दैट विल डिपेंड ऑन द प्रोसेसर. ठीक है, तो फर्स्ट है माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर एंड थर्ड प्रोसेसर इज द डीएसपी डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर. तीन टाइप के प्रोसेसर है. ठीक है, तो फर्स्ट जो रहेगा वो जनरल पर्पज एंड डोमेन स्पेसिफिक प्रोसेसर कैटेगरी रहेगा. ठीक है, सेकंड जो है एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट दैट इज आसिक. सो दैट इज़ द सेकंड कोर ऑफ एम्बेडेड सिस्टम. थर्ड वन पीएलडी दैट इज प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस एंड द फोर्थ वन इज द कॉड्स कमर्शियल ऑफ द शेल्फ कंपोनेंट. ठीक है, तो इन मोस्टली चार कैटेगरीज में कोर ऑफ एम्बेडेड सिस्टम को कैटेगराइज किया गया है. ठीक है, तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में कोर ऑफ एम्बेडेड सिस्टम का स्टडी करेंगे. सो थैंक यू.